बस्ती महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने जा रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को सुबह 10:30 बजे के करीब गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उसके पश्चात लोकसभा अध्यक्ष गोरखनाथ मंदिर गए। वहां उन्होंने बाबा गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान गोरखनाथ मंदिर प्रबंधन के प्रोफेसर यूपी सिंह, डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, प्रधान पुजारी कमलनाथ, द्वारिका तिवारी ने उनका स्वागत किया। पूजा अर्चना के बाद लोकसभा अधीक्षक करीब 20 मिनट गोरखपीठाधीश्वर के बैठक कक्ष में रहे, जहां उन्होंने प्रबंधन के लोगों से नाथ पीठ की आध्यात्मिक और सामाजिक खूबियों की चर्चा की। प्रसाद ग्रहण करने के बाद प्रधान पुजारी कमलनाथ ने उन्हें नाथ संप्रदाय की महत्वपूर्ण किताबें भेंट की। इस दौरान गोरखपुर के सांसद रवि किशन, डुमेरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल, बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, कुशीनगर के सांसद विजय दुबे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सामाजिक कल्याण को लेकर नाथपीठ की ओर से किए जा रहे कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि गोरखपीठ दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कार देने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, गौशाला, अस्पताल के माध्यम से यह पीठ अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए निरंतर लगी हुई है। नाथपीठ पूरे देश में भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है। उन्होंने कहा कि आज गांव-गांव में मंदिर और संस्कार बचे हुए हैं, इसमें नाथ संप्रदाय का बड़ा योगदान है। किसान आंदोलन और महंगाई को लेकर विपक्ष के हमलावर होने से संसद के संचालन में आ रही कठिनाइयों के सवाल पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी कोशिश होती है कि किसी भी स्थिति में संसद का सत्र सुचारू रूप से चले, सभी सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं और देश के सभी गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र की विशेषता है कि चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति के बावजूद जब भी देश हित में कोई निर्णय लेना होता है तो इस कार्य को सभी सामूहिक रूप से करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, yeah।
आज गोरखपुर में गुरु गोरक्षा नाथ मंदिर में दर्शन करने का अवसर मिला। ये मंदिर हमारा आस्था का केंद्र है, ये हमारे आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा और संस्कार देने का काम भी करता है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस मंदिर को आध्यात्मिक रूप के साथ सामाजिक कल्याण के विभिन्न कार्य भी किए। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, गौशाला, समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण कैसे हो सकता है, ये उन्होंने इस पीठ के माध्यम से किया है। और आज भी पूरे देश में नाथ संप्रदाय भारतीय संस्कृति और धर्म को बचाने में लगा हुआ है। मैं पूरे संप्रदाय को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आज गांव के अंदर अंदर मंदिर बचे हुए हैं, उनके संस्कृति बची हुई, संस्कार बचे हुए, धर्म स्थान बचे हैं, उनमें नाथ संप्रदाय का भी बहुत बड़ा योगदान है। संसद का सत्र हमारे संवैधानिक दायित्वों को पूरा करता है और मेरी कोशिश होती है कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले, व्यवस्थित चले। सभी माननीय सदस्य अपनी क्षेत्र की कठिनाइयाँ, वहाँ की समस्याओं को भी सदन के माध्यम से सरकार को पहुँचाए और देश के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हो। हमारे लोकतंत्र की विशेषता है चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विभिन्न विचारधाराओं और विभिन्न क्षेत्रों के बाद भी हमारे लोकतंत्र में जब भी देश का हित का मुद्दा होता है, सब सामूहिक रूप से फैसले करते हैं, निर्णय करते हैं। ये सदन उन सब मुद्दों की, आप जिनकी बात कर रहे हैं, उनकी चर्चा के लिए सदन है। और निश्चित रूप से मेरी कोशिश होती है कि हर गंभीर मुद्दे पर सदन में चर्चा हो, संवाद हो और सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी बात को सदन में रखें। ये काम संसद का नहीं है, संसद का काम जब भी कोई मुद्दे आते हैं उस पर चर्चा कराने का है।